नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। 65वीं बीपीएससी रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। थोड़ा लेट हो रहा है रिजल्ट, लेट होने का कारण भी क्या है ये भी हम देखेंगे, और थोड़ा सा पेज जो फंस गया है वो आपको देखना पड़ेगा। इससे पहले मैं कुछ लोगों को मुझे धन्यवाद देना है, उन्हें मैं धन्यवाद दे देता हूँ। नरेश चौहान जी को धन्यवाद। इसके अलावा ये भैया कौन है, सुखदीप सिंह, मान सिंह शेरपड़ा। 66वीं बीपीएससी के लिए आप लोग हमसे जुड़ जाइए, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, नोट्स हम जो कुछ भी है फ्री देते हैं, करंट के, स्टेटिक जीके के, और बाकी का हम तैयारी करवा देते हैं ट्रिक से, मतलब याद करा देते हैं। सीधी बात यह है, इन सभी लोगों को धन्यवाद। ये किताबों का सेट है, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। मुर्गी काफ़ी जल गई साहब, ये ट्रिक है, आरी संघ युद्ध का अर्थ नहीं है, इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। बुड्ढा डारे सिप्पे लोटे, सब याद हो जाएगा। चेरी इन 16 बिल्लियों को बावली कर दे, चैम्सफोर्ड कब आया, रीडिंग कब आया, इरविन कब आया, विलिंगटन कब आया, लिनलिथगो कब आया, बुड डिस्पैच योजना कब आई, डलहौजी कब आया, डाक सेवा कब शुरू हुई, रेलवे की शुरुआत कब शुरू हुई, सिख युद्ध कब हुआ, संताल विद्रोह कब हुआ, सार्वजनिक निर्माण विभाग किसने बनवाया, बर्मा युद्ध कब हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में आया, पेंशन कब समाप्त की गई पेशवा की, लोक निर्माण विभाग, लोक शिक्षा विभाग, टेलीग्राफी, टेलीग्राम, ये सब आपको याद रहेंगे बिना किसी मेहनत कर। एक नई ट्रिक और देख लीजिए आप, अगर ऊपर ही हो तो, ये तो जबरदस्त है। करण जी के की आसिया बैंक में बाय कर रही है, आसियान समिट हुई है 2019 की, ये मैं तैयारी करा रहा हूँ आपकी बीपीएससी 66वीं की। आसिया बैंक में बाय कर रही है, आसियान समिट बैंकॉक 2019 में आयोजित हुई है, दोनों मार्च अप्रैल वाली भी और दिसंबर वाली भी, नवंबर दिसंबर वाली भी, और बाय वियतनाम में 2020 की होंगी, 2020 की कहाँ होंगी वियतनाम में, 2019 की कहाँ हुई बैंकॉक में। बाजी ने बक्सा पीट दिया, और ब्रिक्स सम्मेलन भी आता है बार बार, बाजी ने बक्सा पीट दिया, 2019 में ब्रिक्स समिट हुई है ब्राज़ील में, पीट दिया, सेंट पीटर्सबर्ग में होगी 2020 की। चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा और खबर देख लीजिएगा, यहाँ से आ जाइए, फरवरी में आएगा पीटी का रिजल्ट। देखो भाई साहब, फरवरी में नहीं आ रहा, लिख के रख लीजिए, फरवरी लास्ट तक जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 65वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के लिए दोबारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, फोन नंबर भी दे रहा हूँ, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, ग्रुप में फ्री में जुड़ जाएंगे। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर आवेदन की प्रक्रिया जनवरी प्रथम सप्ताह में प्रारंभ की जाएगी। ये क्या है, आप लोग आवेदन नहीं कर सकते इसमें, और कोई नया कैंडिडेट भी आवेदन नहीं कर सकता। ये केवल 1% रिजर्वेशन नहीं दिया गया था विकलांगों को, तो उसके संदर्भ में वही लोग, विकलांग लोग ही आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पटना हाईकोर्ट में 63वीं संयुक्त परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा अब्दुल अतुल रंजन ने विकलांगता अधिनियम का पूरा पालन नहीं करने की अपील की थी। हाँ, चल रहा था ये मैटर, 65वीं पीटी में लगभग 10 प्रश्न रद्द किए जाएंगे, ये आपका पूरा मैटर है। मैं आपको पूरा मामला वैसे समझा दूं ओवरऑल, इस अखबार में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। मल्टीपल व मेंटल डिसऑर्डर के 1% आरक्षण मिलना था, हाईकोर्ट का आदेश आ गया पटना हाईकोर्ट का, अब वो 1% जो है इसमें एडजस्ट किया जाएगा और फिर रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो थोड़ा सा मामला लंबा चला जाता है। पहले आवेदन होंगे, फिर एडजस्टमेंट होगा, तो थोड़ी देर लगेगी इसमें, रिजल्ट में देरी है। तब तक आप 66वीं के लिए जुड़ जाइए, उस पर कोई अभी टाइमिंग पे कोई फ़र्क नहीं है, आप लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी जरूर बता दीजिएगा कि आपको 65वीं बीपीएससी यूपीपीसीएस एमपीपीएससी की सही सूचनाएं मिलती रहेंगी। हैव ए नाइस डे, बाय।